बाबा जी हमारे दादाजी लोगों ने दादी लोगों ने इन लोगों ने देखे तो पहले से ये लोग उतना नहीं मानते थे बाबा जी को। पहले तब मंदिर भी डेवलप नहीं था, छोटा सा था और बाबा जी जो है वो रोड के किनारे ऐसे कंबल ओढ़ के बैठे रहते थे। तो पहले से लोग कहते थे कि बाबा जी जो है मतलब उतनी श्रद्धा नहीं, खाली ऐसी है, उतना मानते नहीं थे। एक दिन उन्होंने कहा चलो आज मैं वो करता हूँ, यहाँ वो भंडारा टाइप का करता हूँ, इसमें सभी जाति के लोग आ सकते हैं, मतलब सभी को कैची में बुलाया। तो लोगों ने कहा कि अरे ये क्या ही भंडारा करेंगे, ये तो खुद ही ऐसी कंबल लेके रास्ते में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने सबको बुलाया, सबसे कहा थोड़ा थोड़ा घी लेकर के आना, सब लोग थोड़ा थोड़ा घी लेकर के आए। उन्होंने मालपुए वगैरह बनाए, सब लोगों को बुलाया अपने यहाँ कैची के लोकल के लोगों को, तो उन्होंने बना भी रहे थे। और लास्ट में क्या हुआ, वहाँ उनका घी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा आप क्या करें बाबा जी से, बाबा जी ने कहा तुम एक काम करो, अभी तुम दो बाल्टी या दो कंटर जो है नदी से पानी ले आओ और कल ये उधार रहा कल ये आप नदी में वापस कर देना, कल अगर आज इससे काम चल जाएगा। वो लोग नदी से पानी लेकर के आए दो कंटर और उन्होंने वहाँ आके जब मालपुए बनाने लगे अपना उसमें डाला तो घी में कन्वर्ट हो गया वो पानी। और सब लोग उसी दिन से मतलब उन लोगों ने कहा अरे तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, तब ज़्यादा वो होने लगा। और फिर दूसरे दिन उन लोगों ने सभी लोगों ने दो कंटर की नदी में जो उनसे कर्ज लिया था वो वापस कर दिया। और ऐसे एक दिन दादाजी और कहीं से आ रहे थे तो वो मतलब वैसे जाते थे, उनका क्या ही होगा, कोई वो होता नहीं है, वो सीधे जा रहे थे अपना चुपचाप। उनकी बाइक आगे उनके बाबा जी वहाँ पे लेते थे रोड के किनारे पे, वो सीधे जा रहे थे तो उनकी बाइक रुक गई। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ होगा, उनके बन्ना क्यों एक बार पीछे जाके हाथ जोड़ा। तो वो पीछे उतरे अपना बाइक से, पीछे हाथ जोड़ने गए, हाथ जोड़ते वो दोबारा बाइक में बैठे तो बाइक चलने लग गई। और वो कहते उसके बाद मेरी बाइक ही खराब थी हुई। क्या नाम आपका? सुबह का 7 बजा है और भक्तों का कारवां दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे सेवक लगे पड़े हैं। इस बार वाकई में कैची धाम के भक्तों के द्वारा यहाँ पर सेवाएं बहुत की जा रही हैं। सुबह सुबह कारवां बढ़ चुका है, वीकेंड होने के कारण बहुत से भक्त यहाँ पर कल रात से ही आ चुके हैं। जैसा कि बताया गया भक्तों के द्वारा लगभग रात 12 बजे यहाँ दर्शन कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जब थक गए तो बैठ गए।